नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर और आज की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपके साथ बात करूंगा एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे की और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जो मैथमेटिकल की नींव है। अधिकतर हम इन सब चीजों में कंफ्यूज रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये चीज आई कैसे, और हमें जब इन चीजों के बारे में नहीं पता होता तो हम उन्हें रटना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूले हैं, आपने इन फॉर्मूले का जो भी आंसर है जरूर उसको रटा होगा और उसी को रटते हुए आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। आप में से बहुत ही कम होंगे जिन्होंने ये असल में समझा होगा कि ये एक्चुअली में आया कैसे। अगर आपको ये पता है कि इसका जो आंसर है वो कैसे आया, तो कभी भी आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इन फॉर्मूलों को समझने की क्या जरूरत है, क्योंकि इन पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन आते हैं और कई बार हम समझ ही नहीं पाते, उस फिगर को हम सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो आज हम जानेंगे कि ये फॉर्मूला जो आता है, यानी कि इसके आंसर को जो हम रटते हैं वो आता कैसे है। एक बार हम उसे समझ जाएंगे तो कभी भी इस फॉर्मूले को हम नहीं भूलेंगे, और इसके आधार पर जो प्रश्न अगर एग्जाम में आएंगे तो हम उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें आई कैसे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं आपको पहला वाला बता देता हूं, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, आपने जरूर याद किया होगा, मे बी शायद आपको भी याद भी होगा कि इसका जो आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। इस तरीके से आपने याद किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इसका फॉर्मूला ये ही क्यों होता है, और आपने इन सब के फॉर्मूले को याद किया होगा। देखिए, मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया। मान लीजिए ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है और एग्जाम में अगर ये चीज आ जाती है तो क्या मैं इसे पता लगा सकता हूं? जी हाँ, हम इसे पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, अच्छे से एकदम बिल्कुल इत्मीनान होके बिना किसी काम के इधर उधर चीजें मत देखिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और एक एक स्टेप को देखिए कि मैं कैसे कर रहा हूं। नहीं समझ में आता तो बार बार रिपीट करके देखिए, लेकिन आज इस वीडियो को आपको समझ के ही जाना है। तो देखिए, अगर ये फॉर्मूला आया तो ये कैसे आया, इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे 4 है, अगर 4 के स्क्वायर की हम बात करें तो हम इसको कैसे करते हैं, हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं 16। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 4 × 4 = 16, 4 × 16 ऐसे लिखते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूं क्या, देखो 1 + 4 का स्क्वायर, सॉरी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 + 3 का होल स्क्वायर, इसका आंसर भी 16 आना चाहिए क्या। देखिए एक बार, जैसे 4 का स्क्वायर 16 है तो 1 + 3 का स्क्वायर क्या 16 होगा? जी हाँ बिल्कुल 16 होगा, क्योंकि 1 + 3 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 ही तो होगा, यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा। तो अब इसके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ये a है ये b है, राइट। तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करते हैं, b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करते हैं, 2ab, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 1 × 3। तो चलिए देखते हैं, 1 + 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 × 3 = 6, 9 + 10 = 16 आ गया ना, 16 आ गया। देखो 4 का स्क्वायर 16 है, यानी कि इसी तरीके से ये आया। तो अभी हमने नंबर से तो उसको सॉल्व कर लिया, ये आया कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। असल मैंने क्या किया था, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, हम स्क्वायर के अंदर यही करते हैं, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। तो यहां पर ये जो नंबर है, इस नंबर की जगह मेरे पास क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो चलिए करके देखते हैं। a प्लस बी को मल्टीप्लाई कीजिए a प्लस बी से, इतना समझ में आया। अब चलिए आगे चलते हैं। जब ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई करने का अपना एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है, पहले नंबर को हम पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरीके से आंसर आता है, मल्टीप्लीकेशन तो हम जानते हैं। तो चलिए a को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि a को मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर प्लस, बीच में प्लस आ जाएगा, b है, अब b को मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है, b को मैंने फिर से a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैसे ही आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं, अब a को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a पहले a से मल्टीप्लाई होगा और a फिर b से मल्टीप्लाई होगा, a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू a, यानी कि a का स्क्वायर, जब a इंटू a है, जैसे 2 इंटू 2 है
तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो a इनटू a को मैं a का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, तो यहां पर ये a का स्क्वायर बन गया। अब a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे प्लस का सिंबल आएगा और a इनटू b a भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इधर चलते हैं, प्लस का सिंबल है, प्लस हो गया, b को a से मल्टीप्लाई कीजिए तो ba हो जाएगा। अब प्लस प्लस प्लस, b को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इधर प्लस ए बी है और इधर प्लस बी ए है। अब ये दोनों देखने में अलग अलग लग रहा है, और लेकिन ये ए का बी से गुणा है और बी का ए से गुणा है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे 4 इंटू में 3, 4 को जो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, और 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 12 आता है। मतलब अगर कोई दो नंबर की हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके टर्म को आगे पीछे कर देते हैं तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता, कुछ नहीं बदलता। तो यहां पर अगर मैं इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस, इसको a तो a b है ही, इस ba को अगर मैं a b लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अगर ba और a b कर दूं तो दोनों बात एक ही है। जैसे ये a अगर b इसको मानूं तो ये b हो गया और ये a हो गया, यानी कि a b जो है वो ba दोनों 12 के बराबर है, तो इस हिसाब से ये दोनों ऐसे हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस दो बार a b है तो 2ab हो जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला हमें रटवाया गया था कि ये ऐसे आता है, तो देखिए ये कैसे निकला, सिंपल सिंपल तरीके से निकला है। तो अगर इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले की डिराइव कैसे हुआ अगर आपको वो पता चल जाएगा तो कभी भी आपको इन फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां से इस फॉर्मूले को लेकर के ऊपर आइए, अब हमें पता चल गया कि आंसर यहां तक कैसे आया है, नहीं पता चला तो इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखें। अब देखिए ये चीज हमें पता चल गई, अब हम आपसे पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए क्या इसका फॉर्मूला हम यहां से निकाल सकते हैं, इसको रख लो इसको उधर ले जाओ। आपने याद किया होगा कि a यहां पे इसको क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, इस चीज को इधर ले आइए माइनस 2ab, इसका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है, रटने की जरूरत है क्या, देखो सीधा सीधा आ गया, सीधा ही आ गया ना। अब देखो a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, इस चीज को याद कर लेते हैं और यहां लिख लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, हमने ये निकाल लिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम फॉर्मूला अटेम्प्ट करेंगे। अभी मैं आंसर नहीं लिख रहा, आप मेरे साथ कीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, सिंबल की दिक्कत है। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, यही करेंगे है ना, तो हमने पहले भी यही किया था अभी भी यही करेंगे। तो चलो अब इसको देखिए, माइनस माइनस का चक्कर है, अगर आपको माइनस कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है तो मैं आपके काम को थोड़ा आसान कर देता हूं। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, a प्लस माइनस बी, यानी कि ये जो अपने पास ब्रैकेट है इसको मैं ये कर देता हूं, माइनस बी को अंदर लग देता हूं, बाहर प्लस लगा देता हूं, मल्टीप्लाई बाई a प्लस माइनस बी, ठीक है। तो सेम उसी फॉर्मूले में आएगा, a प्लस बी सेम पहले बार की तरह आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a को गुणा कर देते हैं इस पूरे से जैसे हमने पहले किया था, a प्लस माइनस बी, और अब माइनस बी की गुणा कर देते हैं, यहाँ पहले देखिए पहले तो प्लस आएगा, अब माइनस बी यहां रख देते हैं और इसकी गुणा कर देते हैं a प्लस माइनस बी से, ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। अब मल्टीप्लाई कीजिए a का स्क्वायर, अब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस है तो प्लस और माइनस जब इन दोनों की गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस में, तो माइनस ab। अब इधर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस b जब a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ba हो जाएगा, और माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और b से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर, यानी कि प्लस b का स्क्वायर। तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस माइनस, देखिए ए बी बी ए, तो इसको मैं फिर से ए बी लिख सकता हूं, तो यानी कि माइनस 2ab। तो यही तो फॉर्मूला आपने याद किया था कि a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला आपने याद किया था। देखो अपने आप ही आ गया, कोई टेंशन ही नहीं मिली हुई यहाँ पे। अब देखिए यहां से भी एक फॉर्मूला निकल रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको उधर लेके आ जाते हैं, प्लस 2ab इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब ये देखो a प्लस b के स्क्वायर का आपने पहले से एक फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, अब ये फॉर्मूला तो पहले से बना हुआ है, अब आप सोच रहे हैं a प्लस b का फॉर्मूला इससे भी आ गया, इसका फॉर्मूला इससे भी आ गया, लेकिन अब इधर देखिए इसका आंसर है a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर
प्लस टू ए बी। अब देखिए इन दोनों में अंतर है ना, एक में अंदर प्लस है और बाहर माइनस है, एक में अंदर माइनस है बाहर प्लस है। तो देखो अब ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले आ गए। अब आपने रटा होगा कोई एक फॉर्मूला, मान लीजिए एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये भी अप्लाई हो सकता है, ये भी अप्लाई हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आपका माइंड प्रिपेयर्ड है और जानता है कि किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं इक्वेशंस के अंदर, और इक्वेशन के अंदर एडजस्टमेंट करके इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको बना करके तुरंत अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो जब तक आपको फॉर्मूले के बेस की क्लैरिटी नहीं होगी, ये सारे मिस्टेक्स आपके हमेशा होते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है अब आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या आया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों फॉर्मूले हमने निकाल लिए। अब मैं यहाँ पे ये निकालता हूं, इसके बाद जितने भी फॉर्मूले होंगे उसको आप निकालेंगे। पूरे प्रॉमिस कीजिए कि आप सभी फॉर्मूलों को निकालेंगे और इसके बेस पे हर एक चीज को आप निकालने की कोशिश करेंगे। आपको देखना बहुत ही मजा आएगा और मैथ से धीरे धीरे प्यार होता जाएगा। देखिए माइनस वाले जो क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि उसमें कैलकुलेट करते वक्त आपकी माइनस से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाए शुरू में, लेकिन आपको पता है कि माइनस को मल्टीप्लाई करने के क्या रूल्स हैं, तो एक दो बार गलती करेंगे तो भी चलेगा। अब एक दो बार कीजिए, देखना 100% आपका सही आएगा, और एक बार जब सही आएगा आपका मैथमेटिक्स से प्यार शुरू हो जाएगा, आप उसको पसंद करने लगेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। चलिए अब इधर आते हैं, क्वेश्चन है a प्लस बी का क्यूब। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हमें सॉल्व करना आ गया, तो हमें क्यूब क्यों नहीं सॉल्व करने आएगा। क्यूब का मतलब क्या होता है, अगर 3 का क्यूब है मतलब क्या है, 3 × 3 × 3, यानी कि जो नंबर है उसको उसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करो, यही होता है। तो चलो ठीक है कर लेते हैं। तो a प्लस बी के होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, a मल्टीप्लाई बाई बी और a मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, यही होगा ना, a प्लस बी को मैंने 3 बार गुणा कर दिया, यही तो स्क्वायर होता है। अब इसका फॉर्मूला तो मुझे पता ही नहीं है, अब अगर पेपर में अगर इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो देखिए यहां से मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखिए कैसे अपने आप ही मुझे ये आंसर बताते जाएगा, ध्यान से देखना। अब देखो अभी तक मुझे, मैंने आपको 2 का मल्टीप्लाई करना तो सिखाया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा तो मैंने आपको सिखाया था, लेकिन तीनों का तो मैंने आपको नहीं बताया। और तो तीनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बड़ी दिक्कत का विषय है। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, दिमाग कैसे, अब इस मल्टीप्लाई के बाहर एक ब्रैकेट लगा दो। अब देखो क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, ये मैंने आपको बताया था a प्लस बी का जो होल स्क्वायर था उसका फॉर्मूला क्या था, इसको हम कैसे सॉल्व किया था हमने, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी, ऐसे करके तो सॉल्व किया था। अब देखो ये यही तो है, दोनों सेम है, मतलब यहां पे जो हमने किया था वही चीज यहां पे होने वाली है। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं, a प्लस बी मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका अल्टीमेटली आंसर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आने वाला है, यही आएगा ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी से, तो चलो ठीक है कर देते हैं, ये a प्लस बी है, इसको तो सॉल्व करने के बाद यही आना है। अब फिर से 2 नंबर आ चुके हैं, मतलब अब इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और 2ab को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, बस बात खत्म। चलिए करते हैं, a स्क्वायर को पहले a से करते हैं, तो a स्क्वायर है पहले से, एक और a इसके ना मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब बन जाएगा, 3 बार बन जाएगा, प्लस अब a स्क्वायर को b से करते हैं, तो a का तो रहेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगा b, इधर मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से देखना है, a का स्क्वायर जब b से मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर रह जाएगा और b उसके साथ आ जाएगा, तो a का काम हो गया, इसको छोड़ दो, अब b से देखते हैं, प्लस b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, b स्क्वायर का b स्क्वायर रह जाएगा और a का a आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर का ध्यान रखना, ये पलटना नहीं चाहिए। तो b स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, अब b स्क्वायर तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, b स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो b स्क्वायर को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, तो b स्क्वायर का भी काम कंप्लीट। अब 2ab का देखते हैं, 2ab को पहले a से कीजिए, तो देखो 2b तो अलग है और a है, a से जब a मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि प्लस 2a का स्क्वायर b बन जाने वाला है, और जब 2ab b से मल्टीप्लाई होगा तो 2a वैसा का वैसा रह जाएगा और b * b b का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2ab स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो पहले क्यूब वाले एक तरफ ले लो, क्यूब वाले एक तरफ ले लिया, इसको कट करो, नीचे लिख दो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, मैंने इसको माइनस नहीं किया है, ठीक है, a का क्यूब और b का क्यूब मैंने मतलब ले लिया है नीचे, इसलिए मैंने इसको हटा दिया यहां से।
अब क्या बच गया, देखो एक तो है ए स्क्वायर बी, जहां पर ए के साथ स्क्वायर है और बी अलग है, और दूसरा नंबर ऐसा है जहां पर बी के साथ स्क्वायर है ए अलग है। देखो यहां पर भी वैसा है, ए के साथ स्क्वायर है बी अलग है, और ए अलग है बी के साथ स्क्वायर है, तो दो अलग अलग तरह के डिजिट दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो और बी स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो, तो ए स्क्वायर बी इधर है और ए स्क्वायर बी इधर है ना, तो दो बार ए स्क्वायर बी यहाँ पे है और एक बार ए स्क्वायर बी यहाँ पे है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, थ्री ए स्क्वायर बी, यानी कि तीन बार ए स्क्वायर बी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं इसका भी काम हो गया, इसको भी हटा दो, अब ये बच गया, यहाँ पे क्या है एक बार बी स्क्वायर ए और यहाँ पे दो बार ए बी स्क्वायर, यहाँ पे वही है ना, देखो बी के साथ ये, इसको मैं उल्टा करके ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो देखो ये वही चीज है, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, अब देखो 3ab है, 3ab है, 3ab इसमें भी है, 3ab इसमें भी है, हालांकि फॉर्मूला यही है, इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 3ab अंदर देखो 3ab 3ab इन दोनों में से कॉमन निकालो, अंदर क्या बच जाएगा 3ab है, 3 बाहर आ गया, b आ गया, a आ गया, एक a बच जाएगा अंदर, और प्लस इधर से 3 आ गया, a आ गया, b आ गया, एक b बच जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो कितने अच्छे तरीके से आया, कितना इजी तरीके से आया। अब आप सोचोगे कि ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, तो भैया यहीं से निकल जाएगा, सिंपल सिंपल फॉर्मूला, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। यहां से कैसे निकलेगा फॉर्मूला, अब यहां पे ए प्लस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार होता है इसके ना, मैंने देखा है कि कई बार इसको खोल करके, इसको मतलब ओपन करके दिखाते हैं, ओपन करके भी इसको दिखा सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, अभी देखो इसको मैं नीचे लिख देता हूं, ए प्लस बी का क्यूब माइनस, ये पूरा इधर ले आते हैं, माइनस थ्री ए बी इज इक्वल टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इस तरीके से होगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, या फिर 3ab और इसके साथ ब्रैकेट में a प्लस बी भी है मेरे, सॉरी 3ab a प्लस बी इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ इस तरीके से, इसका फॉर्मूला ये बन गया। अब इसको देखिए, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर भी है, तो a प्लस बी को कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, इधर बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर a प्लस बी तो निकल चुका है, माइनस 3ab इधर बच गया, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो मुझे याद है, देखो यहां से उठा लिया, माइनस 3ab इधर है, अब a प्लस बी इधर आ गया, अंदर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो 2ab इधर है, माइनस 3ab इधर है, तो बड़ा माइनस वाला है, तो इससे से माइनस करेंगे तो माइनस ab बच जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला तो आपने रटा होगा, a प्लस बी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, आपने क्या याद किया होगा, a प्लस बी और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी, इसे याद किया होगा, है ना, और वहां पे a की क्यूब माइनस b की क्यूब का इसी तरीके से आपने माइनस करके घुमा फिरा के याद किया होगा, और a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला भी हमने क्या निकाला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे निकला, ये फॉर्मूला हमने खुद निकाला, और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके लिए डेमो है, एक शुरुआत है, जहां पर आप चीजों को समझ पा रहे हैं कि मैथ्स के अंदर चीजें कैसे होती हैं। देखने में जो चीज इतनी मुश्किल है और जिसको हमें लगता है कि याद करना है, असल में याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारी चीजें बहुत आसान है, समझने की देर है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और एक बार आप करने लग जाएंगे आपका मैथ्स में इतना जबरदस्त इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि आपको इससे अच्छा सब्जेक्ट और कोई दूसरा लगेगा ही नहीं। मैं बहुत ही डीप लेवल से आपको समझा रहा हूं, तो अगर आप हर एक वीडियो को अटेंड करते हैं तो आगे आने वाले समय में आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट पाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।